आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन जब ट्रैवल करें तो कैसे कैरी करना चाहिए। आप सब जान लो कि इंसुलिन इंजेक्शन जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसको प्रॉपर प्रिजर्व करना, स्टोर करना बहुत एसेंशियल है, अदरवाइज इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो क्या होता है कि समय के साथ साथ अगर हाई टेम्परेचर एक्सपोज होगा या सनलाइट एक्सपोज होगा तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड करती है। क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल हीट की वजह से डीनेचर हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब भी आप घर पे स्टोर करें, अगर टेम्परेचर बाहर का, यानी ठंड का महीना है और बाहर टेम्परेचर करीब 25 डिग्री कम है, यानी बिटवीन नवंबर से लेकर के मार्च के महीने तक, आप कमरे में एक कोने में रख सकते हैं। क्योंकि कमरे के अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री ऊपर ज़्यादा नहीं पहुंचता है। क्योंकि स्टोरेज का सिस्टम क्या है कि अगर आप 25 डिग्री से अगर बिलो 8 डिग्री स्टोर करते हैं आप नॉर्मली, और स्टोरेज के लिए अगर आप इंसुलिन को 8 डिग्री से लेकर के 25 स्टोरेज के लिए अगर आप फ्रिज में रखते हैं जहाँ की टेम्परेचर 8 डिग्री से कम होता है, तो आराम से ये एक साल दो साल तक रखा जा सकता है। अगर आप फ्रिज के बाहर रखते हैं और महीना अगर ठंड का महीना है, फ्रॉम नवंबर से लेकर के मार्च तक का, जहाँ की बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है, ऐसे में अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है तो आप कमरे के अंदर बाहर किसी रैक में, अलमारी में कहीं रख सकते हैं, एक साफ डिब्बे में रखिए, और ये कम से कम 2 महीने तक खराब नहीं होता है। अगर गर्मी का महीना है तो फ्रिज में रखना बहुत जरूरी है। तो फ्रिज में टेम्परेचर 8 डिग्री कम होता है और फ्रिज में आप आराम से उसको एक साल दो साल रख सकते हैं जब तक उसकी एक्सपायरी ना हो। फ्रिज में कहाँ रखना चाहिए, जहाँ अंडे रखे जाते हैं, जहाँ सॉस रखा जाता है, जहाँ पानी की बोतल रखा जाता है। बाहर डोर रखना है इसको या नीचे रखना है। फ्रीजर के अंदर जहाँ बर्फ जमती है वहाँ नहीं रखना है। क्योंकि फ्रीजर के अंदर जम जाएगा तो इंसुलिन की क्वालिटी खराब हो जाएगी और ये आपका जीरो काम करेगा। तो एक बार भी फ्रिज के अंदर जम गया तो आप समझ लीजिए आपका इंसुलिन खराब हो गया, आप उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं, ठंड का महीना है, तो आप आराम से गाड़ी रख लीजिए और अपने बैग में रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जान लीजिए आजकल जो इंसुलिन पेन बने होते हैं, इंसुलिन पेन बने आप पेन की तरह यूज करने के लिए, आप आराम से उसको पेन की तरह यूज कर सकते हैं, अपने बैग रख सकते हैं और लेकर के आप किसी भी महीने में कैरी कर सकते हैं। इवन गर्मी के महीने में भी अगर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं हो रहा तो 2 हफ्ते खराब नहीं होता है। तो जो इंसुलिन पेन में होता है 2 वीक उसके आराम से यूज कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप कार बाहर खड़ी है तो उस अपने इंसुलिन को कार के अंदर मत रखें। क्योंकि कार क्या होता है, धूप में रखे रखे बहुत गर्म हो जाती है, और ठंड के महीने में भी अगर आप कार को बाहर छोड़ दें तो बहुत गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री चला जाता है और इंसुलिन क्वालिटी खराब हो जाती है। जब भी टेम्परेचर 25 से ऊपर जाने लगता है तो इंसुलिन की क्वालिटी खराब में खतरा होता है। स्पेशली अगर 45 डिग्री ऊपर चला गया और 45 डिग्री ऊपर आप एक दिन दो दिन में एक्सपोज कर देते हैं उसको लगातार, तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो जब गर्मी का महीना हो तो आप घर के अंदर फ्रिज के अंदर रखें। अगर आप बहुत ठंडा आप लगाएं, 10-15 मिनट पहले बाहर निकाल लें, जब रूम टेम्परेचर आ जाए उसको लगा लें, वापस फ्रिज के अंदर रख लें। और एक दो दिन गर्मी महीने में कमरे के अंदर बाहर रखा रह गया तो ऐसा नहीं बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि अक्सर इवन जब बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री होता है तो कमरे के अंदर टेम्परेचर मुश्किल से 35 से कम ही होता है। इसलिए अगर एक दो दिन बाहर रखे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ फ्रिज नहीं है, मान लो टेम्परेचर पीक गर्मी है, मई जून गर्मी है और टेम्परेचर बाहर 45-48 डिग्री है, ऐसे में क्या करिए, आप एक घड़ा लीजिए, घड़े के अंदर पानी भर दीजिए और उस पानी के अंदर आप एक प्लास्टिक डिब्बा लीजिए, उसे इंसुलिन डाल करके उसमें डाल दीजिए, ऊपर ढक्कन बंद कर दीजिए। तो क्या होता है कि घड़ा जो है ठंडा होता है तो आप इंसुलिन ठंडा
रहेगा। अगर आप बहुत गर्म जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक थर्मस लीजिए, उसके अंदर कुछ बर्फ़ डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए, बर्फ़ मटे कभी बर्फ़ जमने खतरा होता है, मतलब बर्फ़ डाल के अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक थर्मस में थोड़ा बर्फ़ पानी लेकर के और उसके अंदर अपना इंसुलिन एक छोटे डिब्बे में डाल दीजिए और फिर उसको आप कैरी कर सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर आप बिना फ्रिज के हैं, गांव में हैं जहां फ्रिज नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे में अगर आप बाहर में रखेंगे एक घड़े में या किसी पानी के किसी भगवान में पानी रखे और फ्रिज नहीं है तो आप किसी भगवान में पानी रख के उसके अंदर प्लास्टिक डिब्बे में इंसुलिन डाल के उसमें डाल दीजिए तो ठंडा रहेगा। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं जहाँ की ठंड महीना है, ठंडा हमेशा ठंडा रहता है, तो आप चाहे तो आप बाहर आराम से रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ भी सिक्किम आए हुए हैं, यहाँ टेम्परेचर इस समय दिन के 8 बज रहे हैं और टेम्परेचर मुश्किल से 10 डिग्री है, अप्रैल का महीना है, तो यहाँ सालों भर आप फ्रिज न भी रखें तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रिज में रखे हुए हैं, इंसुलिन लंबे टाइम कट जाए, मान लो सपोज 6 घंटे कट जाए, तभी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि फ्रिज के अंदर भी टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर ज़्यादा नहीं जाता है। जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तब इंसुलिन डिग्रेडेशन या खराब होने का खतरा होता है। तो पहला कैरी करने नियम है कि टेम्परेचर लो रखें। दूसरा, डायरेक्ट सन एक्सपोज मत करें। जब सूरज की किरणों से एक्सपोज होता है तो सनलाइट के कुछ से जो रेज होती हैं उसको प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके इंसुलिन खराब कर देती हैं। तो जब भी इंसुलिन देखिए, आप इंसुलिन खराब सही है, सिंपल सिस्टम है, इंसुलिन को हिला करके देखिए धूप में, अगर इंसुलिन के अंदर गट्ठे बन गए हैं, क्लॉट बन गए, इंसुलिन के इंसुलिन जम गया है, क्लॉट बन गया है, इसका इंसुलिन खराब हो गया है, और इंसुलिन मिक्स कर रहे हैं, प्रॉपर मिक्स कर गया है तो खराब नहीं हुआ है। तो इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंसुलिन खराब हुआ नहीं हुआ है। तो आप इंसुलिन को कैसे कैरी करना है जिससे इंसुलिन का इफेक्ट खराब ना हो, आप आई होप इससे वीडियोस नॉलेज मिला आपको। तो ऐसे प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो आप डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, आपका इंसुलिन खराब नहीं होगा। आप ट्रैवल भी आराम कर सकते हैं और इंसुलिन को घर पर भी आराम से रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद।